नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। मुंबई ऑनलाइन भुगतान कंपनी पेटीएम ने 10 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का पता लगाया है। इस धोखाधड़ी के सामने आने के बाद कंपनी ने कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और सैकड़ों की संख्या में विक्रेताओं को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। कंपनी के प्रमुख विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने छोटे दुकानदारों और विक्रेताओं को कुल कैशबैक का बड़ा हिस्सा मिलने की जांच की है, जिसके बाद यह धोखाधड़ी सामने आई है। मुफ्त में सुविधाएं देने के कारोबारी मॉडल के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि कैशबैक मॉडल टिकने वाला है। शर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया, दिवाली के बाद मेरी टीम ने पाया कि कुछ विक्रेताओं को कुल कैशबैक का ज्यादा प्रतिशत हासिल हुआ है। हमने अपने ऑडिटरों को इसकी अधिक गहराई से जांच के लिए कहा। 10 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कंपनी ने इसके लिए परामर्शक कंपनी ईवेल की सेवाएं ली। जांच में यह सामने आया कि कंपनी के कुछ जूनियर कर्मचारियों ने विक्रेताओं से सांठगांठ की। शर्मा ने कहा कि यह धोखाधड़ी दो अंकों में जो निश्चित तौर पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों को हटाया गया है और साथ ही सैकड़ों विक्रेताओं को भी हटाया गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ब्रांडेड विक्रेता रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे कड़े कदमों से विक्रेताओं की संख्या तो कम हुई है, लेकिन इससे हमारे उपभोक्ताओं को बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र मिल सकेगा। खबरों में कहा गया है कि अलीबाबा समर्थित कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने तीसरे पक्ष के वेंडरों के साथ सांठगांठ कर फर्जी ऑर्डरों के जरिए कैशबैक को इधर उधर